हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करना है जो कि आज 10 अगस्त को हुई है। 10 अगस्त को सुबह सुबह 5:34 AM पर एक ट्वीट होता है जो कि किसने किया है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक US कंपनी है, आप सभी जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट किया सुबह सुबह। क्या था ट्वीट? समथिंग बिग सून इंडिया। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो हिंडनबर्ग रिसर्च ये वही कंपनी है जिसने कुछ समय पहले अडानी ग्रुप पर एक एलिगेशन लगाया था, एक इकोनॉमिकली मनी स्कैंडल लगाया था, एक एलिगेशन लगाया था जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ देखने को मिला। अडानी ग्रुप के शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे थे, आपको सभी को पता है। और इन्होंने अब 10 अगस्त को एक ट्वीट किया जो कि था समथिंग बिग सून इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या था, सभी सोचने लगे। इस ट्वीट के बाद सभी के मन में कुछ ना कुछ आता रहा कि हो सकता है दोबारा से कुछ ना कुछ डालेंगे, दोबारा से कुछ होगा, पर लेकिन इनकी इस बार की बात जो थी वो उसमें ही गहराई छुपी हुई थी, समथिंग बिग सून इंडिया। तो मतलब इस बार कुछ ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। सभी इस अभी सोच ही रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और शाम तक इन्होंने एक रिपोर्ट डाली, एक डॉक्यूमेंट डाला, और उसके में आपको देखने को मिला समथिंग रियली बिग न्यूज। क्या था? दिस टाइम इज नॉट एनी कंपनी बट सेबी इट्सेल्फ। अब की बार जो हमको देखने को मिला, सीधा इन्होंने सीधा सीधा हमला किया सेबी पर। अब ये किस टाइप से हुआ इस चीज को समझिए। इन्होंने एक सीधा सीधा एक रिवील की, क्या रिवील की, एक डॉक्यूमेंट रिवील किया, एक रिपोर्ट रिवील की जिसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारा सारी पर्सनल डिटेल्स कहूँ, बहुत सारी बातें इन्होंने सीधा सीधा इस डॉक्यूमेंट में रिवील किया। अब इसमें इन्होंने सीधा सेबी पर हमला किया, और यही था इनका जो वो बिग सून था ना, वो इनका यही था। अब इसको मैं आप समझा देता हूँ, इस सारे फंडे को बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ कि है क्या। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी ने मुझसे पूछा कि ये क्या मैटर है, क्या है, काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये क्या मैटर है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ मैटर है क्या। देखो, हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट डाली थी जो कि अडानी ग्रुप्स के ऊपर थी, और अडानी ग्रुप्स पर उन्होंने सीधा सीधा एक स्कैंडल के बारे में चर्चा की थी, मनी स्कैंडल के बारे में, कि मनी स्कैंडल किया है। उस रिपोर्ट में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे वो बहुत ही तेज़ी से गिरते 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 चले गए, ठीक है। अब उसके बाद उस चीज़ पर जाँच हुई, और जाँच सेबी ने अडानी ग्रुप्स के उसी सब बातों पर जाँच की, जितने भी एलिगेशन लगे थे उन सभी पर जाँच हुई, उस पर अभी को चेक हुआ। लेकिन अब बहुत सारे टाइम के बाद अब यहाँ पर दोबारा से हिंडनबर्ग ने पीछा नहीं छोड़ा, और इस बार सीधा सेबी के चेयरपर्सन, सेबी के जो चेयरपर्सन है उनको, और हर हस्बैंड, मतलब सेबी के जो चेयरपर्सन है उनको और उनके हस्बैंड को, उनके पति को एलिगेशन लगाया कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सिंपल सी बात है कि उन्होंने इनके अडानी मनी स्कैंडल में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी की है, उन्होंने इसको बचाया है, या बहुत सारी बातें। अगर आप सभी को ये रिपोर्ट देखनी है, ये डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप सिंपल सा इनकी साइट पे जाके देख सकते हो। तो मेन फंडा यही है पूरा पूरा कि सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड पर इन्होंने सीधा आरोप लगाया है, सीधा एलिगेशन लगाया है कि इन ये भी क्या थे, इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इस मनी स्कैंडल में जुड़े हुए हैं, इन्होंने इनको बचाया है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है। तो ये चीज़ है, अब इन्होंने सीधा सेबी के ऊपर हमला किया है, तो मतलब कि सिंपल सी बात है ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब हम तो ये चीज़ देखेंगे, हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये सही है गलत है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में छोड़िए। इस रिपोर्ट में क्या है उसके भी कोई ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल से पता नहीं कि वो सही है गलत है, ठीक है, वो सारी चीज़ नहीं पता। पर लेकिन इतना पता है कि जो पिछली बार आपके इन्होंने जब पिछली बार वो किया, जब पिछली बार रिपोर्ट डाली थी, तो हमको ये चीज़ समझ में आई कि इनकी रिपोर्ट से कितना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब यही यहाँ पर क्या देखेंगे हम, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि इससे अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, ठीक है। देखो, पिछली बार जो था, पिछली बार एक कंपनी पर
कंपनी पर बात हुई थी, ठीक है, एक अडानी ग्रुप पर बात हुई, कंपनी पर बात हुई, कंपनी के शेयर गिर गए, ठीक है, सिंपल सा है, कंपनी के शेयर गिर गए, बट दिस टाइम इज नॉट ए कंपनी, इट्स ए सेबी, ठीक है, सेबी चेयरपर्सन की बात हुई है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इंडिया पर किस टाइप से पड़ सकता है, मतलब कि सिंपल सिंपल सा है, जितने भी देखिए आपके अदर जो आपके अदर कंपनीज हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। मंडे को ही जब आपकी मार्केट खुलेगी तो आपको देखना कि बहुत सारे शेयर्स अब गिरने लगेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो सकता है, हम इकोनॉमिकली बात करेंगे, हम कोई भी ऐसे बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली बात ये है कि शेयर क्यों गिरेंगे। देखो हिंडनबर्ग रिसर्च जब भी कोई रिपोर्ट डालती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, पिछली बार भी देखने को मिला और इस बार ये बात है सेबी की, डायरेक्ट किसकी है, सेबी की, सेबी चेयरपर्सन की बात है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी जितने भी अदर कंपनीज है, मतलब फॉरेन कंपनीज है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में किया हुआ है, इंडियन कंपनीज में किया हुआ है, और उसमें क्या देखने को मिलेगा, वो अपनी जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे, और जब वो इन्वेस्टमेंट अपनी वो वहां से निकाल लेंगे तो सिंपल सी बात है शेयर्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहां पर इस बार सिर्फ एक कंपनी का ना दिखकर बहुत सारी कंपनीज में ये गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ सही हो या गलत हो, इम्पैक्ट अभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ आ सकती है, और बहुत सारी चीज़ आ सकती है, आपके जितने भी स्टील प्लांट के, मतलब स्टील से जुड़े हुए बहुत सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसके जितने भी शेयर होंगे वो भी गिरेंगे। और आपने ध्यान दिया हो, अगर कुछ समय पहले ध्यान दिया हो, तो आपका जो टेस्ला था, टेस्ला भी यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था, और वो भी इन्वेस्टमेंट टेस्ला ने क्या कर दिया, टेस्ला ने वो इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, मतलब कि अब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत लॉस होने वाला है इंडिया में, क्योंकि जितनी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी वो अपने इन्वेस्ट को पीछे खींच सकती हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ही एक तरह से कहें सीधा सीधा हमला किया है, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकली तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा, तो पॉलिटिकली की तो हम बात करेंगे नहीं, पर लेकिन यहाँ इकोनॉमिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने सोचा, काफ़ी बच्चे भी पूछ रहे थे और काफ़ी लोग भी थे कि क्या मैटर है, कैसे मैटर है, तो सिंपल सा मैटर बस यही है, ठीक है। आपको रिपोर्ट देखनी हो, देखो रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ दे रखी है और काफ़ी पर्सनल डिटेल्स भी दे रखी है, मतलब कि नंबर्स भी, एड्रेस भी, बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स भी उन्होंने रिलीव किया। और देखो ये जो आपने देखा है ना विसल बॉलर बॉलर डॉक्यूमेंट, ये क्या है, ये मतलब कि ये ऐसे ही नाम देते हैं हमेशा कोई ना कोई सा, मतलब कि किसी ने अंदर के जितने भी अंदर के डॉक्यूमेंट है ना, बहुत ही डीप डॉक्यूमेंट अंदर के, वो वाले डॉक्यूमेंट कोई निकाल के लाया है, ठीक है। अब उसका नाम तो नहीं दे सकते, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो कि भाई वो उसके बारे में थोड़ा ना बताएंगे, तो ये चीज़ होती है। तो ये थी आपकी सारी आज की ये चर्चा, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं आपके बारे में, आपको भी इसके बारे में। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।